So, hey guys, what's up? Welcome back to the अंदर व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 1:21। आज है 20 अप्रैल, कल है अपना टेस्ट, तो आज ऑब्वियसली हम रिवाइज ही करेंगे। एंड ये व्लॉग 20, 21 एंड 22 का होने वाला है। एंड इसी व्लॉग में मैं अपना स्कोर भी शेयर करने वाला हूँ, तो ब्लॉग पूरा एंड तक देखना। तो यही होने वाली है आज की टू डू लिस्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एंड इन तीनों में सबसे पहले मैं नोट्स रिवाइज करूंगा, फिर क्लास इलस्ट्रेशन, एंड देन जितनी भी डीपीपीज हुई हैं अभी तक वो सब डीपीपीज को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं केमिस्ट्री से। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री करने लगा था, और केमिस्ट्री करने का मेरा एक रीजन ये भी था कि केमिस्ट्री बहुत जल्दी हो जाती है। एंड ऐसा हाँ मुझे देखने को भी मिला, मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। जब मैं टेस्ट कर रहा था तो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री रिवाइज की, केमिस्ट्री के नोट्स थे, नोट्स में जो भी क्लास इलस्ट्रेशन करवाए थे सर ने थ्योरी के साथ, तो उनको मैंने रिसॉल्व किया। नोट्स तो हो चुके हैं डन, एंड नोट्स मैंने रिवाइज कर लिए, जिसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जो भी नोट्स में क्लास इलस्ट्रेशन के, वो मैंने क्वेश्चन किए, तो उसमें से ऑलमोस्ट 19 क्वेश्चन किए मैंने। डीपीपीज करते हैं सॉल्व, एंड अभी टाइम हो रहा है 4:22, तो देखते हैं कितनी देर में कंप्लीट हो जाती है, एंड इसके बाद फिर हम करेंगे फिजिक्स से। मैं सोच के बैठा था कि मुझे डीपीपी सॉल्व करना है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने सारी डीपीपीज तो कर ली हैं सॉल्यूशन चैप्टर की, बस मेरा मॉड्यूल बचा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मॉड्यूल किया जाए। वही फिर मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने लगा था। तो फाइनली केमिस्ट्री हो चुकी है रिवाइज, जिसमें से पूरे मैंने नोट्स रिवाइज कर लिए, और नोट्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको भी मैंने सॉल्व कर लिया है। और उसके बाद फिर मैं मॉड्यूल सॉल्व करने लगा था, एंड अभी टाइम हो रहा है 5:06। ये बुक्स अभी रिसेंटली पीडब्ल्यू ने लॉन्च की है, जेई एडवांस के क्वेश्चंस का ब्रह्मास्त्र, ये है फिजिक्स की, एंड ये रही मैथमेटिक्स की। ऐसे ही सेम तुम्हें केमिस्ट्री की भी मिल जाएगी। द बुक कंसिस्ट ऑफ एडवांस लेवल, इसमें सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होंगे, एंड कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन होंगे। ये बुक फुली जेई एडवांस्ड बेस्ड है, एंड इधर पे तुम्हें चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले तुम्हें सॉल्व एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, जिससे तुम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड फिर आती है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में सबसे पहले तुम्हें सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एंड फिर उसके बाद तुम्हें मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एंड फिर तुम्हें न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। और जब तुम सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हें लास्ट में आंसर की देखने को मिलेगी, क्यूआर कोड मिलेगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख सकते हो स्कैन करके। तो ये तो है फिजिक्स की, एंड ऐसे ही सेम है मैथमेटिक्स की भी। इसकी प्राइस होने वाली है 299। ये बुक्स पीडब्ल्यू की बेस्ट फैकल्टीज ने डिजाइन की है, जिसमें तुम्हें बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर तुम लोगों को भी ये बुक चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम इजीली बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। एंड फिजिक्स में मैं रिवाइज करने लगा था वही क्लास के क्वेश्चंस, जिससे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जो भी क्वेश्चंस में मुझे डाउट थे उनको मैंने दोबारा सॉल्व किया, उसके बाद फिर मैंने मॉड्यूल सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने नोट्स रिवाइज किए, एंड देन उसके बाद जो क्लास इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस थे उनको ट्राई किया, एचसीबी के क्वेश्चंस थे और मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे, तो वो भी प्रैक्टिस किया। अभी टाइम हो रहा है 9:26। सोच रहा हूँ कि जितने भी डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी है इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम टेस्ट देते हैं। अब मैं तुम्हें अपना टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो 10 बजे से हमारा टेस्ट होता है, एंड 10 बजे मैंने टेस्ट नहीं दिया था, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी थी डिटरमिनेंट्स की, तो वो सबसे पहले मैंने वो प्रॉपर्टीज रिवाइज की, एंड देन उसके बाद 11 बजे से मैंने टेस्ट को स्टार्ट किया था।
सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री को अटेम्प्ट किया था, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चंस थे, 8 में से सारे क्वेश्चंस ईजी थे, बस उसमें एक या दो क्वेश्चंस एक न्यूमेरिकल था उसमें, एंड एक क्वेश्चन और था जो थोड़ा टफ था। तो केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर ली थी 10 मिनट में, एंड उसके बाद फिर मुझे 15 मिनट लग गए थे फिजिक्स को सॉल्व करने में। फिजिक्स के बाद सबसे लास्ट में मैंने किया था मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक्स में थोड़ा टाइम कम पड़ गया। अगर मैं तुम्हें ओवरऑल बताऊं तो पेपर बहुत इजी था, अपना अपना स्कोर कमेंट करके बता दें। और मैं अब अपना स्कोर बता देता हूं, तो ये रहा मेरा स्कोर।